वाटोड़ा पुलिस ठाण्याचे हद्दीत येणाऱ्या गरीब नवाज चौक जवळील ईस्ट पॉइंट शाळेच्या मागे असलेल्या जयस्वाल इस्टेट परिसरात एका पाण्याच्या डबक्यात 15 वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू झाला। 17 जून रोजी घडलेल्या या घटनेसाठी नेमका जबाबदार कोण असा प्रश्न मृतकाचे नातलग करत आहेत। या घटनेत मृत पावलेला मुलगा उबेदुल्ला खान असून तो मलिक उर्दू हायस्कूल मध्ये वर्ग 10वीचा विद्यार्थी होता। 17 जूनला उबेदुल्ला दुपारच्या वेळेला त्याच्या दोन मित्रांसह इन्फोसिस परिसरात गेला होता। त्याच्या मित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका मित्राचा पाय शेणाने भरल्याने तो धुण्यासाठी म्हणून हे तिघे मित्र किमान 2.5 किलोमीटर पायी चालत जयस्वाल इस्टेट परिसरात बनलेल्या पाण्याच्या डबक्याजवळ आले। तिथे लागलेल्या 5 फुटांच्या लोखंडी जाळी ओलांडून हे तिघेही मित्र आतमध्ये गेले। दरम्यान पाय धुण्याच्या प्रयत्नात एका मित्राचा पाय घसरून तो पाण्यात पडला। या मुलाला स्विमिंग देखील येत होते, तरी देखील त्याने उबेदुल्लाला उडण्यासाठी हात दिला, मात्र हात देताच उबेदुल्ला देखील घसरून पाण्यात पडला। या दोघांना वाचवण्यासाठी तिसरा मित्र देखील हात देण्यास गेला आणि तो देखील घसरून आतमध्ये पडला, मात्र या तिघांपैकी 2 जण पाण्याबाहेर निघू शकले आणि उबेदुल्लाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला। 6 फुटाच्या या डबक्यात 5 फूट 8 इंचा मुलगा बुडाला याचे त्याच्या वडिलांना आश्चर्य वाटत आहे। ज्या परिसरात ही घटना घडली तिथे गार्ड नसल्याची खंत मृतकाच्या वडिलांनी व्यक्त केली आहे। या प्रॉपर्टीवर मत्स्यपालनाचे काम केले जाते, मात्र धोकादायक ठरणाऱ्या या जागेवर साधे सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील का लावले गेले नाही, त्यामुळे पोलिसांनी या घटनेचा निष्पक्ष तपास करावा अशी मागणी मृत उबेद खानच्या नातलगांनी केली आहे। कॅमेरामॅन विशाल रायपुरेसह सनी भोंगाडे, संगनाथ। अब लगता तो हादसे ही है, लेकिन शक भी है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये इतना बड़ा टाका, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं। अब वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि बच्चों की पैर धोने गए हैं, लेकिन पैर धोने के बाद में अगर कोई बच्चा गिरता है तो कोई ना कोई, तो इतनी बड़ी ये प्रॉपर्टी जो बना है तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, कोई गार्ड तो चाहिए कि ऐसा कुछ हादसा होता है तो बच्चे को निकाल के खींच सके। प्लस जो है इतनी बड़ी आबादी है और किसी ने कुछ देखा ही नहीं, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। और दूसरी बात, वो लड़का बोल रहा है कि हम लोग वहाँ डूबे उस कोने में, जबकि हमारे सामने लड़की की लाश इस कोने से निकाली गई है। हादसा 3:03 बजे का है। मेरे को 5:12 पे एजाज भाई का फ़ोन आया मेरे को, मैं यहाँ पर तकरीबन 5:30 बजे पहुँचा। पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे, मैं आवेश में आकर मैंने बोला कि भाई आवेश बोलो या जज्बात बोलो, मैंने उनको बोला भैया मुझे तैरना आता है, मैं बच्चे को निकालता हूँ, तो मुझे रोक लिया गया। यही अगर जिम्मेदारी, अगर पुलिस वालों को जैसी वो आए थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाकर एक सिक्योरिटी के तहत, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप डायरेक्ट कूद जाओ, लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी लेना चाहिए। आज वो अपने समाज के, देश के, यहाँ की जनता के रक्षक है, और रक्षक होने का अगर वो अपना फ़र्ज अदा करते तो फायर इतना कोई खोल गड्ढा नहीं है कि आदमी डूब जाए। जवान आदमी, दो दो पुलिस वाले, वो चाह के उतर, अगर उतर जाते जल्दी से तो हो सकता मेरे बच्चे की जान बच जाती। आज 3:30 से 3:30 के बीच का लड़का डूबा है, 6 बजे उसकी लाश निकाले। कोई हमारा कोई महाराष्ट्र और ये नागपुर कोई पिछड़ा वर्ग नहीं है, कोई हम कोई पिछड़े जैसे बिहार और यूपी के अंदर नहीं जी रहे के जा रहे। प्लस यहाँ से ज़्यादा 0.5 किलोमीटर के ऊपर पुलिस चौकी है, 2.5 किलोमीटर के ऊपर पुलिस स्टेशन है। क्या पुलिस स्टेशन से या पुलिस चौकी से आने के लिए क्या 1-1.5 घंटा पुलिस वालों को लग रहा है? और पुलिस वालों में इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अरे पानी आ रहा है तो अब ठीक है, हर इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चीज़ है। पानी आता कपड़े बदल सकते थे पुलिस वाले, वो अंदर के रूम में जाके बैठ गए। अगर मेरे बच्चे को अगर वो पहले आ जाते, देख लेते, तो क्या मेरा बच्चा हो सकता था 1.5 घंटे के अंदर जो निकाले थे उसमें कुछ तो जान बची रहती थी? जब उसको निकाले हमारे एकदम, मेरा भाई भी आया, मैं भी आया, हम लोगों ने उसके चेस्ट को खूब पेन किए, मेरे भाई ने उसके पैर वगैरह किए। यही हरकत क्या पुलिस वाले क्या चाह रहे थे कि ये आए ये करे? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारे रक्षक नहीं है, बच्चों के प्रति उनके अंदर कोई क्या बोलते संवेदना नहीं है। आए पुलिस वालों ने देखे, इससे पूछ रहे उससे पूछ रहे, अंदर घुस गए। यानी ये तो वही बात है जो पुराने ज़माने में बोलते थे कि पहले एक्सीडेंट हो गया तो पहले तुम अपनी FIR करो, ये करो, भले आदमी की जान। कागजी कार्रवाई करने के बाद लाश निकाले ऐसे? नहीं, लाश तो निकालने के बाद कागजी कार्रवाई कर रहे, लेकिन यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे पहले पुलिस आ चुकी थी निकालने के, हादसे के 0.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद वो आए, और वो लोग वहाँ बैठे थे वो रूम के अंदर। मैं खुद बोला मैं जाता हूँ, मैं उनको बहुत समझाया कि मेरे को तैरना आता है, मैं गांव खेड़े का आदमी हूँ, क्योंकि हम लोग प्रॉपर नरखेड़ के हैं, नागपुर ज़िले में आता है तहसील नरखेड़, नहीं क्या वहीं के। मैं बोला मेरे को तैरने आता है, मुझे पकड़ लिए, ठीक है। वो उन्होंने इसलिए पकड़े कि भाई आवेश पे ये भी ना डूब जाए, ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जब आई
तो पहले पुलिस ने उतार निकालना चाहिए था ना, नहीं वो फायर ब्रिगेड वाले आएंगे उसके बाद निकालेंगे, यानी बच्चा 3 घंटे से अंदर पड़ा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अंकल बच्चे यहाँ पर पहुंचे उसके पीछे का कारण क्या बता रहे हैं? अब बच्चे तो ये बता रहे हैं कि हमारा पैर भरा था गोबर से, लेकिन अब डाउट ये होता है कि अगर तुम्हारा सिम्फोसिस कॉलेज के अंदर पैर भरा है, यहाँ से जो सिम्फोसिस कॉलेज 2 किलोमीटर है, तो क्या उसके पैर में क्या गोबर अटक ही था? आते आते झाड़ियों का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, प्लस जो है बारिश हो रही है, यानी उस टाइम में तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन पहले से तो बारिश हो रही थी ना 2-3 दिन पहले से, तो रास्ते में डोबरे है, गड्ढे है, पैर तो वहाँ भी धो सकते थे। भाई इतना कूद के जाना और पैर धोना, वो भी वो बच्चे का उतरना जिसको परखड विचारांचे लेख वाचण्याकरिता आणि ताजा घडामोडी जाणण्याकरिता डाउनलोड करा शंखनाद लाइव ॲप व सखोल माहिती मिळवण्यासाठी कनेक्ट व शंखनाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सोबत।